सो हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ पे फाइनली ग्रैंड मास्टर तो लग गया है एंड भाई बहुत ज़्यादा मजा आया खेलने में। एंड आप सभी को भाई सॉरी क्योंकि बहुत कम वीडियो आया इस सीरीज में, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा प्लस करना पड़ रहा था एंड कुछ ज़्यादा ही माइनस लग रहा था। हाँ, यहाँ पे क्या क्या सीन वो सारे इस वीडियो में पता चल जाने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा ग्रैंड मास्टर भी लग गया एंड अपना फ्रेंड में 4 नंबर पर चल रहा हूँ, जो कि अभी के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लग रहा है। नहीं तो विश्वास है तो भाई एक बार ग्रैंड मास्टर प्लेयर के साथ खेल के देना, वो स्क्वाड में तो पता चल जाने, तो भाई आप लोगों को पता चल जाने वाला है तगड़े बंदे आते। तो अभी तो फिलहाल के लिए आप सभी को इतना इंटेंस मैच दिखाऊंगा जो कि आप लोगों को मजा आने वाला है एंड मेरे को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा वो मैच था जिसमें हमारा ग्रैंड मास्टर लगने वाला था, मींस हमारा हीरोइक को 5 स्टार से मास्टर लगने वाला था एंड हम भाई बहुत खुश थे कि हमारा किल भी काफी ज्यादा हो गया था एंड हमारा मास्टर मतलब ग्रैंड मास्टर लगने वाला था एंड ये हमारा 5 डेज में लगने वाला था और हम लोग चारों बंदे वेट कर रहे थे क्या सही में मेरा ग्रैंड मास्टर लगे या नहीं। लेकिन ये वाला मैच में कुछ ज्यादा गलत सीन हो रहा था, हम लोग को ये वाला मैच होया चाहिए था एंड ऊपर से कुछ ज्यादा डैमेज हमें दे रहा था। लेकिन मेरा फ्रेंड एक गाड़ी से इधर उधर कर रहा था जिसके बीच हमें बहुत ज्यादा कवर मिल रहा था एंड वो गाड़ी वाला हमें ठोक ही नहीं पा रहा सामने वाला जो जीप चला रहा है एंड उसके कारण हम लोग बहुत इसी तरह से यहाँ पे रस भी कर रहे हैं। एंड मेरे पास डबल वेक्टर है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मरा था इस वाले मैच में एंड जो भी गन मिल रहा है उसके साथ में जा रहा हूँ। तो अभी तो हम लोग को चांस मिल गया है, मेरा फ्रेंड बोला भाई जल्दी से ऊपर आ जाओ, अभी इधर कोई प्लेयर नहीं है ऐसा जो आप लोगों को मारे। तो वो मेरा फ्रेंड ने एक को डाउन कर दिया एंड फटाफट जाता हूँ उसको फिनिश लेने के लिए क्योंकि उसका एक भी किल नहीं था, तो फटाफट फिनिश भी ले लेता हूँ यहाँ पे एंड फिनिश लेने के बाद बस बहुत कम बंदे बाकी है एंड वो सारे बंदे ऊपर है तो फटाफट में जाता हूँ। एंड अब ऐसे बोया हमारा हो सकता है जो कि मेरा फ्रेंड फिर रस करा एंड वो भाई यहाँ पे था उसका बुलेट की एंड फाइनली हमारा एक और किल हो जाता है और सामने आने के बाद मेरे को प्लेयर दिख जाता है जो कि 8 किल के बाद को मान के फाइनली हमारा 9 किल भी हो जाता है एंड साथ ही साथ बोया हो जाता है एंड बोया होने के बाद हमारा ग्रैंड मास्टर तो लगने वाला है ऐसा आपको एंड मेरे को सभी को लगा। अब लगेगा नहीं वो तो लोई में पता चलने वाला है। अब यहाँ पे तो मेरा फाइनली मास्टर लग गया है जो कि मैं जैसे ही बैक किया और भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत सीन होते हैं, मतलब कि मेरे को मास्टर ही दिया एंड ग्रैंड मास्टर बहुत दूर पे है, मतलब ग्रैंड मास्टर यहाँ पे 6035 दिख रहा है एंड मेरा 6037 है फिर भी मेरे को ग्रैंड मास्टर नहीं दिखा। तो जल्दी से मैं करता हूँ क्योंकि क्या पता भाई रिस्टार्ट करने के बाद पता चले कितना मेरा स्कोर बढ़ा है या नहीं बढ़ा। अब रिस्टार्ट करने के बाद मैं जल्दी से चेकआउट करता हूँ क्या मेरा कितना स्कोर हुआ है नहीं हुआ एंड यहाँ पे पता चलता है 6100 पे हमारा ग्रैंड मास्टर है एंड भाई अब मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मींस हमें तो कम प्लस चाहिए थे लेकिन इसके बाद जो होता है भाई बहुत बुरा होता है एंड मेरे को अभी फिलहाल के लिए 60+ चाहिए। तो जल्दी से मेरे को प्लस करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मेरे को एंड आप सभी को लगा था कि मेरे को बस 40 का या 60 का प्लस चाहिए उसके बाद मेरे को ग्रैंड मास्टर लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा सीन हो जाता है, मींस एक दिन पूरा माइनस जाता है मेरा एंड अभी देखो भाई 6300 हो गया एंड अभी तक मैं ग्रैंड मास्टर लगा ही नहीं पाया था एंड भाई इस बार मेरे को कुछ ज्यादा ही माइनस लग रहा था एंड प्लस हो रहा था और ग्रैंड मास्टर के टाइम पे माइनस लग जा रहा था तो क्या कर सकते थे। तो फिर भी मैंने मैच स्टार्ट किया एंड प्ले किया था एंड उसके बाद भाई बहुत ज्यादा मैच खेलने के बाद एंड फाइनली वो हमारा दिन आया था जिसके बीच शायद मेरा ग्रैंड मास्टर लगने वाला है एंड ऐसा मेरे को लग रहा था भाई बहुत ज्यादा प्लस करने के बाद। देखो यहाँ पे मास्टर का 1 स्टार गाइस मतलब 2 स्टार लगने वाला है, इतना मेरे को प्लस करना पड़ा एंड भाई ऊपर से प्रेशर भी क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा प्लस चाहिए था एंड फाइनली हमारे यहाँ पे तो ग्रैंड मास्टर लग गया एंड अभी तो मेरा ग्रैंड मास्टर लगा ही है एंड यहाँ पे 9841 मतलब कि एक मैच ना खेलू तो मेरे को यहाँ पे ग्रैंड मास्टर से नीचे कर देगा, हाँ इतना कम है एंड फाइनली अभी तो मेरे लिए ग्रैंड मास्टर लग गया तो वो बहुत बड़ी बात है। अब मेरे को लग रहा था इससे भी ज्यादा मैं प्लस कर ही लूंगा। हमारे ये वाला मैच में कुछ ज्यादा ही गलत सीन हो जाता है, हम डुओ खेलते हैं एंड मैं जंप करता हूँ, मेरे को डैमेज नहीं पड़ता है और हाँ भाई डैमेज नहीं पड़ता जिसके कारण मैं तो यहाँ पे बच जाता हूँ, लेकिन मेरा फ्रेंड जैसे जंप करता है लिटरली वो डैमेज दे जाता है एंड राइट साइड एक बंदा अचानक से आ जाता है जो कि मेरे को डैमेज देता है। अब यहाँ पे तो अगर मैं मर जाता तो लिटरली मेरा फ्रेंड तो 100% मर जाता, लेकिन यहाँ पे मैं उसको मारा एंड ये वाला सीन कुछ ज्यादा ही गलत सीन था, बहुत सारे बंदे थे एंड ग्रैंड मास्टर के लोहे पे अगर अभी मर जाता तो कुछ ज्यादा ही मेरा माइनस लगता। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे सिचुएशन हैंडल कर लेते थे। अब ये वाला मैच में पता नहीं क्या चल रहा था, हमारा गलत सीन ही चल रहा था पूरा, एक को डाउन किया एंड हमें लगा भाई एक ही प्लेयर है तो जल्दी से रस भी कर देता हूँ एंड मेरा फ्रेंड जल्दी से रस करता है एंड मैं भी फटाफट जाता हूँ उसके पीछे पीछे एंड हमें लगता है उसको बचाएगा, लेकिन वो बंदा बचाता नहीं है एंड वो बहुत गंदा दिमाग लगाता है जो कि मेरे को इतना गंदा डैमेज देता है लिटरली मर जाता। और यहाँ पे तो मेरा फ्रेंड जल्दी से मैं बोलता हूँ किल फिनिश करने के लिए एंड जल्दी से किल फिनिश ले लेता है एंड किल फिनिश करने के बाद वो प्लेयर उधर रहता है एंड मेरा फ्रेंड जैसे रस करता है उसको तो बहुत डैमेज देता है, डाउन भी करता है, मेरे को बहुत डैमेज दिया, लिटरली मैं मरने वाला था एंड यहाँ पे क्या होने वाला है जो कि फाइनली इसको डाउन कर दिया एंड इसको तो जल्दी से फिनिश कर दिया। और भाई ये पता नहीं डाउन हुआ था, आई डोंट नो इसका फ्रेंड था या नहीं वो। और यहाँ पे तो चलो कोई बात नहीं, फटाफट यहाँ पे अपना हेल्थ भी फुल करता हूँ एंड निकल जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद एक प्लेयर मेरे को फिनिश कर देता है, उसके बाद फ्रेंड रिवाइव देता है और वही प्लेयर फिर से दोबारा से यहाँ पे आ रहा था, हाँ मॉन्स्टर वाला था एंड आ गया और लिटरली मेरे पे रश कर दिया जो कि वही प्लेयर को मैंने डैमेज दिया एंड डाउन भी किया एंड डाउन करने के बाद मेरा फ्रेंड को एक प्लेयर ने डाउन कर दिया
अब इसको तो मैं मानना चाह, लेकिन उसके पास तसुआ था जिसके कारण बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखा रहा था एंड लिटरली मेरे यहाँ पे यहाँ नेट चला गया था अचानक से, जो कि वो फ्रेंड को डैमेज दिया और भाई पता नहीं कैसे मार दिया उसको, मतलब मैंने तो मारा और उस बंदे को पता भी नहीं चला कैसे मर गया। एंड यहाँ पे हमने फाइनली उसको भी फिनिश कर दिया एंड दोनों प्लेयर को मैंने फिनिश कर दिया था। अब इसके बाद लास्ट जोन आ गया था एंड ये वाला मैच बोया का बहुत ज्यादा चांस था, मतलब कि एक बंदे राइट साइड थे एंड दो बंदे लेफ्ट साइड थे, तो हमें यहाँ पे मॉन्स्टर मार के एंड इधर घूमना बेटर लगा। तो भाई क्या, लेकिन भाई वो प्लेयर ना कुछ ज्यादा ही चालाक थे, मतलब कि बहुत ज्यादा डैमेज देते गाड़ी को एंड यहाँ पे उसको डैमेज देना चाहा, बट वो घूम के एंड भाई गाड़ी को चलाने लगा। वो बंदा गाड़ी को चलाते चलाते मतलब कुछ ज्यादा ही कम हेल्थ कर दिया था एंड हमें लगा गाड़ी चले जाने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एंड यहाँ पे एक बिल्कुल डैमेज दिया जो कि डाउन साथ ही साथ कर दिया था। डाउन करने के बाद वो प्लेयर लेके बच गया गाड़ी को एंड यहाँ पे हम दोनों प्लेयर फंस जाते हैं। अब यहाँ पे तो फंस जाते हैं, वो प्लेयर यहाँ पे रश करने लगते हैं एंड हमें यहाँ पे गुलाल तोड़ के आगे निकलना पड़ा, लेकिन एक प्लेयर पीछे भी था एंड एक प्लेयर आगे था। अब हम यहाँ पे तो पूरा बुरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन भाई आगे जाने के बाद मेरा फ्रेंड फंस गया था एंड इसके पास डबल बैकर था। अब मेरे को तो भाई वो रश किया एंड अब क्या होने वाला आई डोंट नो, जो कि भाई में डैमेज दिया, दोबारा से भी डैमेज दिया एंड तीसरे बार में फाइनली इसको फिनिश कर दिया। ये वाला मैच बहुत इंटेंस में जाता है, बोया भी हमारा होता है। अब ये वाला मैच में कुछ ज्यादा ही मजा आ गया था, मींस यहाँ पे देखो हम लोग सोच रहे थे भाई वो सब प्लेयर अंदर में है एंड शायद वो सब भी सोच रहा था भाई हम लोग अंदर में है, इसके कारण से बीच में कोई भी नहीं था एंड यहाँ पे जब आगे जाने के बाद हमें पता चला भाई अंदर कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे नहीं होने के कारण हमारा जोन भी बन गया था, तो हम लोग यहाँ पे वेट करने लगते हैं। अब वो सब भी दो प्लेयर था एंड वो सब रस नहीं किया और हमारे पास जोन था तो हम रस क्यों करें एंड वो सब पीछे से रस कर दिया था, जो कि उसको ग्लोबल से पैक कर दिया एंड लिटरली भाई यहाँ पे वो सब जोन में मर गया और हमारा यहाँ पे बोया निकल जाता बहुत ही अच्छी तरीके से। अब ये वाला मैच में आप लोग काउंट करना कि मेरा यहाँ पे किल कितना हुआ था एंड डाउन कितना किया था। हमारे यहाँ पे नेट फंस रहा था जो कि सामने जाने के बाद पूरा स्क्वाड के बीच में घुस गया। अब इसको डैमेज दिया एंड डाउन साथ ही साथ किया, लेकिन भाई एक ही प्लेयर नहीं था, पूरे के पूरे स्क्वाड थे यहाँ पे, जो कि एक को डैमेज दिया एंड दोबारा से फिर रस किया एंड एक को डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद फिर तीसरे को डाउन कर दिया भाई एंड यहाँ पे लास्ट प्लेयर बाकी था जो कि ग्रेनेड किया एंड इधर से बंदे आ गए थे जो कि डैमेज दिया एंड हमें लगा भाई वो मर गया था, लेकिन मरा ही नहीं और उसका सेंटर नहीं ऑन हो गया। अब ऑन होने के बाद फटाफट उसको फिनिश करता हूं और फिनिश होने के बाद फाइनली भाई पूरे के पूरे स्क्वाड ही फिनिश हो जाता है, मतलब कि सैसे उसके पास सुई था। एंड यहाँ पे आप लोग कमेंट करना मेरा पे किल कितना हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा मजा आ गया डबल बटर चलाने में। चलो दोस्तों, तो आप लोगों को कैसा मैच लगा एंड वो कमेंट जरूर बताना, जो कि बहुत ज्यादा मजा आ गया। और भाई अभी के टाइम पे स्क्वाड में कुछ ज्यादा ही मजा आता है खेलने में, क्योंकि सारे बंदे पुशिंग करते हैं, जोन पुशिंग एंड मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आता है। एंड आप लोग कमेंट करो भाई किसको साथ में खेलना है, जो कि मैं टीम कोड दूंगा एंड सभी को बुला के खिलाऊंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।